नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिरडी के साई बाबा के इतिहास के बारे में। जी हां, शिरडी में साई बाबा का पवित्र इतिहास तब से आरंभ होता है जब साई बाबा शिरडी में आते हैं। शिरडी में कुछ वर्षों तक रहे और फिर एक वर्ष के लिए शिरडी से कहीं चले जाते हैं और लगभग 1858 ईस्वी में वे पुनः शिरडी वापस लौट आते हैं। शिरडी में स्थित साई बाबा के मंदिर का निर्माण साई बाबा की समाधि के ऊपर लगभग 1922 में करवाया गया था। माना जाता है कि साई 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और चिर समाधि में लीन होने तक यहीं रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शिरडी के साई बाबा के मंदिर के इतिहास के बारे में और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। साई बाबा के जन्म और नाम को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था और इनका वास्तविक नाम हरिभाव भूसारी था। साई बाबा शिरडी में पहली बार लगभग 1854 ईस्वी में आए थे, जिसके बाद वहां 3 वर्ष रहे और फिर 1 वर्ष के लिए कहीं चले गए थे। 1858 ईस्वी में साई बाबा शिरडी पुनः लौटे और वहां पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। माना जाता है कि साई बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 में शिरडी के उसी स्थान पर हुई थी जहाँ आज उनका एक भव्य मंदिर है। शिरडी के साई बाबा के मंदिर निर्माण लगभग 1922 में श्रीमंत गोपाल राव और साई भक्तों ने मिलकर करवाया था। इस मंदिर का निर्माण हिंदू वास्तुकला शैली में करवाया गया है, जिस कारण यह मंदिर साई के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बन जाता है। साई हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे, जिस कारण उनके भक्त न केवल हिंदू थे अपितु कुछ मुसलमान भी थे। साई के मंदिरों में प्रत्येक धर्म के लोगों को आने जाने की अनुमति प्रदान की गई है। शिरडी के साई मंदिर में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए का सोना चढ़ावा के रूप में दिया जाता है, जो न केवल भारतीय अपितु लगभग 100 अलग अलग देशों से साई भक्त दान करते हैं। भारत के सबसे जाने पहचाने उद्योगपति केशव आर मुरुगेश ने शिरडी के साई मंदिर को लगभग 110 करोड़ रुपए का दान दिया था, ताकि उन रुपयों का उपयोग कर शिरडी में लगभग 14,000 आश्रम खोले जा सके। 2011 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार शिरडी में साक्षरता दर 70%, जबकि पूरे भारत की साक्षरता दर 59.5% है। शिरडी के साई बाबा और मंदिर पर अनेक फिल्में बन चुकी है, जिनमें शिरडी के साई बाबा, शिरडी साई बाबा, ईश्वर अवतार साई और मालिक आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।